हैं वो आज आपके लिए हीलिंग प्रेयर करेंगी और परमेश्वर का वचन देंगी। सो आज सिस्टर सिस्टर का सिस्टर के साथ चलेंगे और जितना हो सके आप इसे शेयर करें। हमारा लाइव चल रहा है फेसबुक पे, आप जाके देख सकते हैं। लोगों को बताएं कि आज यहाँ कन्वेंशन है। डॉक्टर अंजलि जो हमारे बीच में आई हैं सिस्टर, उनका हम स्वागत करते हैं और आगे के समय को हम सिस्टर के हाथ में सौंपते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर मौके के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के नाम में, एक नाम में इकट्ठे होकर परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकते हैं, उसको महिमा दे सकते हैं। और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपने हाथों को उठा के मुझे बताएं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद है इस वक्त के लिए। आज मैं जो विषय लेकर आई हूँ वो परमेश्वर ने एक नया विषय मेरे मन में डाला, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। उससे पहले प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देने के बाद मैं आप सारी टीम का, ओमेगा एवेंजेलिकल चर्च का, आपकी इस कन्वेंशन में, किंगडम ऑफ गॉड कन्वेंशन का, और जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। स्पेशली पास्टर मोजेस का और जो संचालक हैं दूसरे पास्टर, आपका सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु ने आपके मन में डाला और इतने बोझ से आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं। साथ ही आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें आज आपके साथ शेयर करूं, और उसके बाद हम प्रार्थना में भी जाएंगे। आज अपने दिलों को तोड़कर हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। खास जो मैं बात करने जा रही हूँ आज वो है हीलिंग के बारे में, चंगाई के बारे में। परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो सबको चंगाई देना चाहता है, वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कह रहा है, वही उसी बात पर हम गौर करेंगे। और इसके बाद प्रार्थना निवेदन जिसके भी हैं वो भी दे सकते हैं। हम सब मिलकर शामिल होंगे परमेश्वर की आराधना में, उसके वचन में। और बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने अभी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनॉइंटिंग से भरी हुई वर्शिप की, जो प्रेज एंड वर्शिप के गीत गाए, बहुत हमारे दिलों के नजदीक थे। सारी महिमा सारा आदर परमेश्वर को मिले। और अब वचन पे जाएंगे, जो वचन है हीलिंग का, चंगाई का वचन। जो हमारा परमेश्वर है वो चंगाई देना चाहता है आपको, मुझे, हर किसी को। क्योंकि वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, संपूर्ण जगत से, किसी एक चुनी हुई कौम कलीसिया से ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत से। तो आज आप कोई भी क्यों ना हो, और आपको चाहे शारीरिक बीमारी हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे दिमागी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे निराशा हो, चाहे सुसाइड के थॉट हो, चाहे आप दुष्ट आत्मा वाली बात हो, कोई भी बात क्यों ना हो, विश्वास रखें। और वचन हमें क्या बताता है कि परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, जो सारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स बदलने में सामर्थ्य है। तो अगर आज आपके हाथ में कोई बुरी रिपोर्ट है, आपके प्रियजन की या आपकी या आपके मित्र की, कोई भी क्यों ना हो, प्रभु आज अभी हर समय आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। जरूरत है कि हम उस चंगाई को ग्रहण कैसे करें। तो वचन में जाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े, जिन्होंने कभी वचन नहीं पढ़ा, बाइबल नहीं पढ़ी, और वो सही रूप में नहीं जानते, लेकिन फिर भी इतनी बात तो आप हर कोई जानता है, इतनी बात तो हर कोई जानता है कि यीशु मसीह चंगाई देने वाले परमेश्वर थे, और वो परमेश्वर के पुत्र थे, उनमें सामर्थ्य, और वो करते थे, छूते थे तो लोगों को चंगाई मिलती थी। ये बात से आप और मैं सब सहमत हैं, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह चंगाई देता था। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह उस वक्त था तो देता था चंगाई। तुम बताना चाहेंगे, और वचन क्या कहता है, यीशु जीवित है, उसमें वही सामर्थ्य है जो तब थी, जो आज है, जो हमेशा रहेगी, जो कभी नहीं बदलने वाली सामर्थ्य परमेश्वर की, वो सामर्थ्य आज भी है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए है। तो आज अपने बोझ को लेकर अगर हम परमेश्वर के सम्मुख आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी वही चमत्कार हो, आप जानते हैं यीशु मसीह चमत्कार करते थे। आप में से बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि कुछ प्रचारकों को हीलिंग का वरदान है, वो भी देते हैं। लेकिन हम वचन में जाएंगे कि परमेश्वर ने वो वरदान
और वो चंगाई और वो आशीष हम में से हर एक के लिए रखी है। नंबर एक, हर एक के लिए, और दूसरी बात मुफ्त। ये जो तोहफे हैं वो सारे मुफ्त तोहफे हैं, जिस पे कोई टैक्स नहीं लगा सकता। और प्रभु चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, आशीषित रहें। वचन में देखेंगे, वचन में से कुछ गहरी बातों को देखेंगे। आज सिर्फ चर्चा एक सॉलिड वचन पर करेंगे, क्योंकि जब हम ये बड़ा वरदान पाने जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं, जब परमेश्वर आपको उन बातों की चंगाई देने जा रहा है जो डॉक्टर्स कह रहा है इम्पॉसिबल। कितनी सारी बीमारियां हैं जिनके इलाज नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, टीके नहीं है और दवाइयां नहीं है, लाइलाज बीमारियां, कितनी तरीके की बीमारियां हैं छोटे छोटे बच्चों को भी। और माँ बाप बेबस हैं, आपके पास भले ही हो सकता है बहुत पैसा है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके बहुत लोगों से कॉन्टेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जब पद, प्रतिष्ठा, पैसा, डॉक्टर, दवाई कुछ जब काम नहीं आती, वहां पर भी आपके सामने आशा है। वहां पर भी मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी, ऐसी परिस्थिति में भी यीशु पर आस लगाएं, क्योंकि वो आपसे बे इंतहा प्यार करता है। और बाइबल का परमेश्वर का एक नाम क्या है, आई एम द लॉर्ड हु हील्स, जो कहता है मैं वो परमेश्वर हूँ जो चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर के एक नाम बाइबल में से है यहोवा राफा, यानी कि चंगाई देने वाला परमेश्वर। तो वो चंगाई देने वाला परमेश्वर, आप जान गए, मैं जान गई कि वो चंगाई देना चाहता है। यीशु मसीह थे, चंगाई देते थे, उनके शागिर्दों ने भी किया, ये सारा प्रोसेस आप जानते हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन मैं आज उस बात पर गौर करूंगी, जो लोग चंगाई पाना चाहते हैं स्वयं, या आपके मित्र, या आपके रिश्तेदार, या आपका कोई भी करीबी, या फिर आप वो चंगाई का वरदान पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु आपको प्रबल रीति से इस्तेमाल करे और आप जहां भी जाएं प्रार्थनाएं करें, हाथ रखें और चमत्कार हो। और मैं बताना चाहूंगी, आत्मिक वरदान सबके लिए है और मुफ्त में है, तो क्यों ना हम भी उन वरदानों को जरा चेक करें जो हमारे पास रखे हैं, जो परमेश्वर ने दिए हैं लेकिन हमने यूज नहीं किए। तो देखिए, मैं उस बात पे जाऊंगी आगे कि वचन हमें क्या बता रहा है। वो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का एक नाम है यहोवा राफा, परमेश्वर जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और दूसरी बात है, वो कह रहा है कि आई एम द लॉर्ड हु हील्स यू, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं, जब यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह की जब सेवकाई शुरू हुई, हम सब जानते हैं जन्म की घटना कैसे हुई, क्रिसमस की बात और उसके बाद की बात हम लोग सब जानते हैं। उसके बाद हम जाने देखिए, जब यीशु मसीह के चमत्कारों की बात, ये चंगाई की बात, ये आशीषों की बात कैसे शुरू हुई थी, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, जब बपतिस्मा लिया और पानी में से बाहर निकला तो लिखा है पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आकर ठहर गई और आवाज आई स्वर्ग से कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आत्मा आई उसके ऊपर। उसके बाद जो है मिनिस्ट्री प्रबल रीति से यीशु मसीह की शुरू हुई और सिर्फ 3-3.5 साल में इतने चमत्कार, इतनी बातें, इतना सब कुछ है जो बाइबल में लिखा है कि अगर हम सारी बातों का वर्णन करें तो ऐसी पुस्तक हो जाएगी कि समा नहीं सकती पूरे जहान में। लेकिन कुछ सेलेक्टिव बातें ही हैं जो उसमें हमें लिखी है प्रचारकों ने, उस समय के लोगों ने आंखों देखा वर्णन, और आज भी यीशु जीवित है। तो यीशु मसीह ने ये जो काम शुरू किया वो सबसे पहली बात थी कि आत्मा उसके ऊपर ठहर गया। दूसरी बात थी गवाही हुई, वो आवाज सुनी लोगों ने कि परमेश्वर ने कहा ऊपर से ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और आत्मा कबूतर की नाई आया, ठहर गया, देखा भी, गवाही हुई, दिखाई भी दिया, सुनाई भी दिया, आत्मा भी आया और सबने जान लिया यकीन कर लिया कि यीशु मसीह सामर्थ से भरपूर है और वो हमें चंगाई दे सकता है। अगर आप चाहते हैं, मैं चाहती हूँ, और हम कहते हैं कि हम कैसे चंगाई पाए, यीशु मसीह कहाँ है जो हम उसे देखें, जो हम उसे सुने, तो जान ले यीशु जीवित परमेश्वर है। वो वास्तव में दिखाई देने वाला और सुनाई देने वाला और दिल के नजदीक रहने वाला, दूर का नहीं है, पास का परमेश्वर है। अगर आप भी वो चंगाई पाना चाहते हैं, और हर कोई चाहता है, कुछ ना कुछ बीमारी परेशानी हम सबको है, किसी को आत्मिक है, किसी को दिमागी है, किसी को शारीरिक है, जिन्हें नहीं है
वो भी इतना तो हम सब चाहते हैं कि हम उस वरदान को, हीलिंग के वरदान को कैसे पाएं। तो देखिए, इस आयत को, इस वचन को हम लोग सब जानते हैं और क्लेम करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। यशाया 53:5 में ये वचन लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। लेकिन इस बात को वाकई में ग्रहण कैसे करें? बहुत सारे लोग इस पद को लिख लेते हैं और इसको रटते रहते दिन भर और कहते हैं हमें चंगाई नहीं मिल रही, जबकि मैं ये बात बोल रहा हूं। तो इस बात के मायने को समझ के उसको ग्रहण करना है। ये वचन एक तलवार है, आत्मा की तलवार। बाइबल का दूसरा नाम है आत्मा की तलवार। तलवार हमें कब इस्तेमाल करनी होती है? हर वक्त पे नहीं तलवार लेके खड़े होते, जब वक्त आता है तब तलवार इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही आत्मिक तलवारें जो हैं, शैतान का सामना करने के लिए, बीमारी का सामना करने के लिए, परेशानी का सामना करने के लिए, इन सारी बातों को जब हमें सामना इंसानी शक्ति से जब हम नहीं कर सकते, जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हम असहाय हो जाते हैं, जब बात हमारे हाथ से निकलने लगती है, उस वक्त प्रभु ये आत्मा हमारे हाथ में दिया है, जो वो कह के गया है यीशु मसीह कि मैं जाता हूं और एक अपना सहायक तुझे देके जाऊंगा, अपना पवित्र आत्मा का सहायक, जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और वो सहायक कोई निर्बल कमजोर प्राणी नहीं है। ऐसा नहीं है वो कि बस आपके साथ ढाढ़स बंधाता रहे और मीठी मीठी वो बातें आपके साथ करने लगे बस, जैसे इंसान है। हम कहते हैं एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, लेकिन सीमित बुद्धि है, सीमित शक्ति है, सीमित सामर्थ्य है। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य जब हम पे आता है, जैसे पौलुस कहता है, जैसे वचन कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं सामर्थी होता हूं। और हम सब जानते हैं आज हम यहाँ बैठ के ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम उस स्ट्रगल से निकले हैं। वो चीजें हम अपने अनुभव से जानते हैं कि वाकई में ये बात सत्य है, इसमें जीवन है। कैसे है, आप और मैं कैसे जाने? आप सब जानते कि अब मुझे परमेश्वर ने गवाहियों का बहुत बोझ दिया है और मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग शामिल हों और गवाहियां दें। और आज भी हम चाहते हैं कि हम इस सेशन के दौरान भी, इसके बाद में भी, जो हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे उन विषयों पर एक एक के लिए प्रार्थना करें, और जब परमेश्वर का काम हो तो वो वाकई में गवाहियां शेयर भी करें प्रभु को महिमा देने के लिए, क्योंकि उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। आज चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कैंसर हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो कितनी भी लाइलाज बीमारी क्यों ना, कुछ जन्मजात बीमारियां, क्रोमोसोम्स की, ऑटिज्म की, डाउन सिंड्रोम की, बहुत सारी बीमारियां जिसके लोग कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, ये कंडीशन है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगी, इन सारे विषयों की इतनी गवाहियां हैं जिनके आंसर आप गूगल पे ढूंढ रहे हैं। गूगल और नेटवर्क जवाब नहीं दे सकते, लेकिन वचन हर बात का जवाब दे सकता है। और कैसा जवाब? हाँ और आमीन में। तो उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, ये बात हम बोलते रहते हैं अक्सर, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। कई बार हम बोलते रहते हैं और चंगे नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये वचन में क्या सामर्थ्य, इस बात को हमने समझना कैसे, ये मायने क्या है इस बात का कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। उस बात की डिफरेंस को देखेंगे कि इस बात को एक बार यशाया ने कहा, जो मैंने आपको अभी बताया, यशाया 53 और उसका 5 वचन में लिखा है इस प्रकार। और यशाया ने ये बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, इस प्रकार से यीशु मसीह होगा और उसके कोड़े खाने से हम ऐसे ऐसे चंगे होंगे। और उसके बाद बहुत समय बाद, देखिए कई समय के बाद, जब यीशु मसीह ने कहा क्रूस पर, इट इज फिनिश्ड, ये पूरा हुआ, ये सारी भविष्यवाणियां जो थी वो पूरी हो गई। उसके बाद पतरस ने भी एक जगह कहा, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वही बात है, और वो समय के साथ साथ वर्ब का टेंस बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया। यशाया ने कहा भविष्य में ऐसा होगा, यीशु ने कहा पूरा हो गया, जिस समय उसने बोला उस वक्त काम पूरा हो गया। और पतरस ने बाद में कहा यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यानी कि वो चंगाई और वो बात जो जो इस वचन में प्रॉमिस है, जो जीवित वचन है, वो हो तो चुका है वाकई में। लेकिन हम ग्रहण हमने कैसे करना है कि जो चीज हो चुकी, जो ब्लेसिंग, जो हीलिंग ऑलरेडी यीशु मसीह कर चुका है, हो चुका है, लेकिन हमको कैसे ग्रहण करनी है, हमने क्या करना है?
सारी सामर्थ का काम, सारी क्रूस का काम, सारी सेल्वेशन उद्धार की योजना तो प्रभु ने पूरी कर दी, लेकिन कुछ बातें फिर भी हैं जो प्रभु चाहता है कि आपको और मुझे करनी है। उसको फॉलो कैसे करें, उस प्रोसेस को कैसे करें, सीधे सिंपल तरीके से एक चाइल्ड लाइक फेथ से हम प्रभु के सामने कैसे आए। पहली बात है कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो कह रहा है पहले। दूसरी बात, उसकी इच्छा है, प्रभु चाहता है हम आशीषित रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, चंगे रहें और हमें किसी भली वस्तु की घटी ना हो, ये परमेश्वर चाहता है। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी एक खास एक बात है, मत्ती 21 और उसके 22वें वचन में, मत्ती उसका 21वां अध्याय और वचन 22, यहाँ पर लिखा है कि अगर तू विश्वास करेगा तो जो कुछ तू प्रार्थना में मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, भले ही वो चंगाई भी हो। आप और मैं बड़ी बीमारी के बारे में दुआ करने में बहुत डरते हैं कि नहीं पूरी हुई तो क्या होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो चंगाई देने वाला तो मैं नहीं हूँ, ना कोई प्रोफेट है, ना कोई प्रचारक है, ना कोई इंसान है, सिर्फ एक ही है यीशु, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। तो अगर वो भयंकर रिपोर्ट भी है जहां डॉक्टर दिन भी बता देता है कि इतने दिन बस और जिएगा, वहां भी चमत्कार होते हैं और हो रहे हैं आज की तारीख तक। देखिए आप, गवाहियां सुनिए, बहुत सारे लोग, कोई कहानी नहीं है, कोई गप नहीं है, झूठी बात नहीं है, यीशु के काम आज भी हो रहे हैं क्योंकि उसके नाम में वही सामर्थ्य है। और दूसरी बात, कई बार हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत स्वाभाविक बात है, अगर हमको अचानक ऐसी रिपोर्ट आ जाए कि भाई तुझे ये बीमारी है, तू मरने वाला है, या तेरे प्रियजन को, और आजकल तो कोरोना की बात है तो सभी के पास जब ये रिपोर्ट आती है हम डर जाते हैं, हिल जाते हैं कि कैसे, क्या होगा परमेश्वर, अब हम क्या होगा, हम रोने भी लगते हैं। तो परमेश्वर हमारे आंसुओं की कदर करता है, वो हमसे प्यार करता है। वचन बार बार क्या कहता है, टूटे दिल वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर है, टूटे और पिसे हृदय को वो तुच्छ नहीं जानता। दूसरी बात, एक खास वर्णन है आंसुओं के साथ की गई चंगाई की प्रार्थना का, वो वर्णन पाया जाता है दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और 1-5 में। यहाँ पर एक घटना है, आप देख सकते हैं घर में जाके जिन्होंने नहीं पढ़ी, और बाकी जो बाइबल पढ़े हैं वो तो जानते हैं। तो यहाँ पर हिजकिया का वर्णन है, हिजकिया जब बीमार था, बहुत बीमार हुआ और बिल्कुल ही हालत उसकी खराब हो गई, तो ये यशाया आया उसके पास और उन्होंने परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी करके बताई कि बस अब तेरे जीवन के दिन खत्म हो रहे हैं और अब तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो क्या करा हिजकिया ने, वही इंसान है, आप और मैं होते हम भी यही करते, बिल्कुल यही करते, वो दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगा, आंसू गिराने लगा और परमेश्वर से रो रो के, बिलक बिलक के, आंसू गिरा गिरा के उसने कहा और प्रार्थना की और कहा, प्रभु स्मरण कर कि मैं तेरे भवन में कैसे जाता था। और चंगाई की प्रार्थना उसने ऐसी कोई लिखी हुई, कोई फॉर्मूले वाली और कोई रटने वाली दुआ नहीं की, बल्कि जो भी बात उसके मन में वेदना थी वो आंसू में निकाल के गिरा के पूरी बात बोली। और उसने जब ये प्रार्थना करी, आंसू बहाए, ये बात बोलने के बाद यशाया थोड़ा सा ही आगे गया था, आगे घर से निकल के मुड़ ही रहा था कि तभी प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा और उसने कहा, अब हिजकिया से जाके ये कहे। उसने वापस आके कहा कि परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, और क्या आज से तीसरे दिन के बाद तू फिर से परमेश्वर के भवन में जा सकता है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। कितनी प्रेम से भरी बात है, परमेश्वर जिसे हम बहुत दूर का, बहुत मुश्किल से मिलने वाला परमेश्वर समझ रहे हैं, हकीकत में वो बड़े नजदीक का परमेश्वर है, बड़े मुलायम कोमल दिल वाला परमेश्वर है, इतना कोमल हृदय कि मृत्यु की तारीख ही बदल दी। और जो लोग कहते हैं कि ये उस समय की घटना है, उस समय की बात है, तो ऐसी बात नहीं है। आप ढूंढे तो कितनी ही गवाहियां मेरे पास है, मेरे पास तो गवाहियों का भंडार रहता है, मैंने बहुत गवाहियां देखी हैं जीवन में, कोई मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रही, क्योंकि मुझे इतना कंप्रेशन गवाही का इसलिए है क्योंकि मैं स्वयं जीवित गवाही ही हूँ आपके समक्ष, जो मैं जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ, बोल रही हूँ, वो भी एक चंगाई है परमेश्वर की कि उसने मुझे पूरी तरीके से आज आपके सामने रखा हुआ है, इतनी सारे
बातों से निकालने के बावजूद, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। जब हम निर्बल होते हैं तब उसकी सामर्थ हमारे में काम करती है। तो यहाँ पर जो आप सोच रहे हैं कि उसकी घटना ऐसी थी कि भाई तो भाई बाइबल की कहानी है, उस समय की कहानी है, ओल्ड टेस्टमेंट की कहानी है, अब कहाँ होता है ऐसा, तो मैं आपको बता रही, मेरी जानकार एक आंटी थी, उनके साथ ऐसा हुआ। आंटी मतलब ये नहीं कि वो मेरे रिश्तेदार थी, मगर जानने वाली स्त्री थी जिनके साथ इसी प्रकार हुआ। वो बहुत बीमार हुई और मर गई, डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि वो मर गई, लेकिन वो उन्होंने बाद में अपना अनुभव बताया। वो उनको लगा, उन्होंने देखा स्वयं को कि मैं आत्मिक रूप से, वो ऊपर से अपने आप को देख रही, स्पिरिट में वो ऊपर चली गई, और उन्होंने देखा अपना शरीर नीचे, और वो स्वर्ग में जब गई, परमेश्वर के पास गई, और वो देख नहीं सकी किसी का चेहरा, लेकिन वहां पर उन्होंने वो रोशनी जो दिखाई दी उससे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे थोड़े वर्ष और दे दो, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, और आंसू गिरा के प्रार्थना की। सोचिए आत्मा ने, क्योंकि आत्मा कैसे कर सकती है। अब ये सब बातें जो आप सोचोगे, ये यकीन करें या नहीं करें, मगर ये सत्य घटना है। जैसा हिजकिय्याह के साथ हुआ, वो ही अब भी हुआ है। वो स्त्री को वापस आ गई अपनी बॉडी में, डॉक्टर्स ने कहा गलत रिपोर्ट हो गई होगी, ये थोड़ा प्राण रहा होगा, जो कुछ भी, जो जैसे आजकल हम इंसान है अपने लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, इसमें लॉजिक आप लगा सकते हैं कि हो सकता है वो ना मरी हो, उसको अनुभव हुआ, ड्रीम हुआ, ठीक है। लेकिन चकराने वाली बात क्या है, सरप्राइजिंग बात क्या है, वो ये बात है कि जैसे हिजकिय्याह को बताया, इतने साल का जीवन में तुझे और दे रहा हूं, उतने ही साल का जीवन उस स्त्री को भी बता के भेजा परमेश्वर ने, जा इतने साल का मैं तुझे जीवन और दे रहा हूं। अब ना मानने वाले ना माने, वचन कहता है कि आत्मिक बातें सांसारिक बातों के लिए मूर्खता की बातें हैं, लेकिन वो जीवित गवाही में आपको बता रही हूँ, एग्जैक्टली जैसे हिजकिय्याह के साथ हुआ वैसे ही उस स्त्री के साथ भी हुआ, और इतने साल की आयु के बाद होने के बाद प्रभु ने उनको उठाया, और एक नहीं अनगिनत कहा गवाहियां हैं, जीवित गवाहियां, जो अगर चर्चा करें तो समय कम पड़ जाएंगे, सेशन कम पड़ जाएंगे। अगर आप परमेश्वर की चंगाई पाना चाहते हैं, जो मरे हुए को भी भाग भेज दे रहा वापस, तो जिसमें प्राण है उसको वो कितना ठीक नहीं करेगा। कितनी ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए रखी छोड़ी है, जो हम यूज नहीं कर रहे, जो हम मांग नहीं रहे उस आत्मा की तलवार को। तो पहली बात है, वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है, वो चाहता है हम चंगे हों। दूसरी बात है, हर प्रकार की बीमारी वो ठीक कर सकता है। अब आप बुखार के लिए दुआ कर लेते हैं, छोटी मोटी बीमारी के लिए दुआ कर लेते हैं, लेकिन जैसे बड़ी सी बीमारी आ जाती है, जहां डॉक्टर कहता है कि अब वेंटिलेटर पर है, एक दिन दो दिन और है, वहां हमारा साहस कम हो जाता है, हमारा विश्वास डोलने लग जाता है। लेकिन वचन हमें बता रहा है कि यीशु मसीह जब था तो उसने क्या करा, सारी बीमारियों को, सारी दुर्बलताओं को ठीक किया। कौन सी बीमारी ठीक नहीं की आप बता दो मुझे नाम, कौन सी नहीं की ठीक, सारी बीमारी, जो विभिन्न बीमारियों से परेशान थे, जो दर्द में परेशान थे, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, जो मिर्गी के तरह तरह के दौरों की बीमारियां जिनको थी, जो पैरालाइज थे, लकवा था जिनको, या जिनकी गवाही यीशु मसीह की गवाही की बात पहले से हम ओल्ड टेस्टमेंट में देख रहे थे, वो ये सारी गवाही, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो जन्मजात बीमारी हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, वो भी ठीक होती थी। और जो लोग कहते हैं कि ये ओल्ड टेस्टमेंट की बात है, ये पुरानी बात है, ये किताबी बात है, मैं आपसे बिल्कुल बोल रही हूँ, वचन आपको चैलेंज कर रहा है, चख के देख ले, परख के देख ले। मेरी बात पे यकीन ना करें, किसी और प्रचारक की बात पे यकीन ना करें, लेकिन वचन जो कह रहा है वो सामर्थी वचन है। ये ऐसी बुक नहीं है, एक निर्जीव किताब नहीं है कि नॉन लिविंग थिंग है कि ये किताबें रखी है, जैसी और भी प्रिंटेड किताबें वैसी ये, बल्कि ये सामर्थी जीवित किताब है, जिसके एक एक वचन को बोलने से, विश्वास से बोलने से वास्तव में काम होते हैं। क्यों बोल रहे हैं जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं, क्यों हालेलुया बोलते हैं, क्यों प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने चख के देखा है, प्रभु को चख के देखे, उसकी सामर्थ को चख के देखे। उसके बाद उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया, और जैसी भविष्यवाणी की थी यशायाह ने, वही यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरी की। तो अगर आज आप ऐसी परेशानी में इनकरेज्ड हो,
चाहे वो जन्मजात बीमारी हो, चाहे वो लाइलाज बीमारी हो, चाहे आपको गूगल जवाब नहीं दे रहा, चाहे आपका डॉक्टर जवाब नहीं दे रहा, चाहे आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी आपके पास एक दरवाजा खुला है, फिर भी आपके लिए सब दरवाजे बंद नहीं हो गए। और सबसे आशीषित बात कि ये सबके लिए है और मुफ्त है, यीशु मसीह की तरफ से गिफ्ट है, मेरे और आपकी तरफ से नहीं। हम इंसान है, कमजोर है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु की सामर्थ उतनी ही आप में भी काम करेगी जितनी उसके बड़े बड़े प्रचारकों में करती है। हाँ, वो हीलिंग का जो वरदान है वो जिसके पास हो उसको मिलता है, लेकिन हम सबको प्रभु दे सकता है। अगर अब तक आपने नहीं चखा, आपने नहीं लिया उन आत्मिक तोहफों को, तो देख लीजिए और ले लीजिए कि वचन हमें क्या बता रहा है, कैसे हासिल करें हम उन आशीषों को। देखिए मत्ती 14 और उसके 35 से 36 वचन में इस प्रकार की बात है कि हर कोई जिसने उसको छुआ उन्होंने चंगाई पाई। यीशु को जिन्होंने छू लिया, आपने गाना भी सुना होगा, छू लिया यीशु ने, छू लिया। छूना कैसे है? आप कहेंगे यीशु मसीह प्रकट में शरीर रूप में मेरे सामने नहीं है कि मैं कैसे छू लूं यीशु मसीह को, लेकिन यीशु जीवित है और आत्मिक रीति से, और वो इतना बड़ा वरदान जो देके जा रहा है कि वो हमें कह रहा है मैं अकेला ही नहीं छोड़ूंगा, तुम अपना आत्मा दिए जाता हूँ। प्रभु का वो एक आत्मा आपके साथ है, आत्मा की छुआई, उसकी स्पर्श अगर आपके साथ है तो ना केवल आप वो छू के चंगाई मिलेगी, बल्कि आप भी वरदान पा सकते हैं, क्योंकि वचन बार बार कह रहा है विश्वासियों के लिए क्या क्या बातें कह रहा है। देखिए जरा जान लें, चख लें और हासिल कर लें उन सब बातों को। दूसरी बात है जो एक कोढ़ी की प्रार्थना थी, मरकुस 1 और उसकी 40-41 वचन में एक वर्णन है कि एक कोढ़ी था, वो आके पास उससे कहने लगा कि प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे चंगा कर ले, मुझे चंगा कर दे। और यीशु ने अपना हाथ बढ़ा के बोला हाँ मैं चाहता हूँ, और वो ठीक हो गया। इन दो बातचीत में क्या खास बात है? हमें जो प्रार्थना करनी है वो किस वचन के अनुसार करनी है? ये कोड़ी की तरह नहीं कि तू चाहता है तो मुझे कर ले, क्योंकि हम शुरू से स्वरूप देख रहे हैं वो चाहता है, और यहाँ बोल के भी बता रहा है यीशु कि मैं चाहता हूँ, और पहले से बाइबिल बता रही है कि प्रभु चाहता है। क्यों नहीं चाहेगा वो आपको चंगा करना? क्यों नहीं चाहेगा? प्रभु चाहता है कि वो आपको चंगाई दे, और जितने उसके पास आए उससे मांगे तो हमें विश्वास से उन बरकतों को हासिल करना है। देखिए मत्ती 9 और उसकी 20-22 वचन में, फिर 27-30 वचन में। यहाँ पर मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इन वचनों को, इस बातों में क्या लिखा है कि लिखा है कि तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया, तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाए। बहुत जगह वचन यही कह रहा है कि विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। अब जिनके लिए नहीं हो रहा उनका मतलब ये नहीं कि वो विश्वासी थे उनके लिए नहीं हो रहा, और जिनके लिए हो रहा है वो ज्यादा विश्वासी है। प्रभु का प्यार सबके लिए है, लेकिन वो चाहता तो है कि हम उस अपने अल्प विश्वास से, अब कम विश्वास से बाहर निकले और मजबूत विश्वास वाले बन जाएं। वो कैसे बनेगी? अपनी सामर्थ्य नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से। जब हम उसके सम्मुख आए नम्र होके, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्र होके आए, ताकि वो हमें उचित समय पर बढ़ाए। वचन हमें कह रहा है, तो कह रहा है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इब्रानियों 11:6 में हमें बताया जा रहा है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हमें यही नहीं, हम मान ही नहीं रहे कि वो है, इसमें बात कर रहा है कि ये तो विश्वास करो कि वो है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। जो अपने सृष्टिकर्ता का वजूद ही ना माने, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले थे जो कहते थे कोई परमेश्वर है ही नहीं, साइंस है, दुनिया है, इस तरह से दुनिया चलने लगी, कोई परमेश्वर है ही नहीं, जो ये कहते थे। तो यहाँ वचन कह रहा है ऐसे लोगों के लिए फिर चमत्कार भी है ही नहीं, जिसके लिए परमेश्वर है ही नहीं उसके लिए चमत्कार भी है ही नहीं। जबकि प्रभु हमेशा हर हाल में चाहता है आपको बुलाना, आपसे प्यार करना। वो सृष्टि करता है, वो बिना उसके हुए वे कुछ हो नहीं सकता। जैसे एक स्त्री ने ऐसे ही नास्तिक को एक जवाब दिया, उसने उसको बड़े अच्छे भोजन पे बुलाया, खाना खिलाया, बहुत अच्छे आलिशान व्यंजन बना के बुलाया, और जो खाने लगा वो कहा बहुत ही टेस्टी है। उसने कहा किसने बनाया? उस स्त्री ने कहा कोई कुक है ही नहीं, ये खाना ऐसे ही बन गया। वो सोच में पड़ गया ऐसा कैसे हो सकता है,
एक होगा जो सामान लाया होगा, एक होगा जिसने काटी होंगी सब्जियां, एक होगा जिसने छोंका होगा, ये सारा प्रोसेस किया होगा तो बना होगा, तब मेरी प्लेट में आया है, बिना बने कैसे हो गया? उस स्त्री ने कहा, जब इतने से भोजन के लिए बनाने वाले की जरूरत है, तुम्हारी पूरी सृष्टि दुनिया को बनाने वाले के लिए क्या सृष्टिकर्ता की आवश्यकता नहीं है? क्या बिना उसके अपने आप बन गई सब कुछ, आप और मैं सब अपने आप बन गए? तो बहुत ही लॉजिक वाली बात है। जब हम विश्वास करेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य पर, अपनी सीमित बुद्धि से शक करते हैं, ये छोटा सा दिमाग जो स्वयं प्रभु ने ही बना रखा है, उसी के बनाए हुए दिमाग से हम परमेश्वर के अस्तित्व पर शक करने लग रहे हैं, उसके बारे में बड़े बड़े हम सवाल करने लगते हैं परमेश्वर के बारे में। देखिए, इसी के बाद आगे बात में जाएंगे, मत्ती 12 उसका 10वां वचन और 13 वचन। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जिसका हाथ सूखा हुआ था, बीमारी थी, हाथ खराब था, सूखा रोग था, सूखा ग्रस्त वाला हाथ था उसका, और प्रभु यीशु मसीह सबको चंगा ही देना चाहते थे, लेकिन उस समय के जो ये फकीर फरीसी और धार्मिक लोग थे, जो सिर्फ रूल रेगुलेशन में सबको फंसाना चाहते हैं, वो कहने लगे सबत के दिन यानी विश्राम के दिन इसको ठीक करना उचित है या नहीं है, वो ये कहने लगे। लेकिन यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि अपना हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया और तुरंत तभी उसका वो हाथ भी दूसरे हाथ के जैसा ठीक हो गया। क्यों हो गया? नंबर एक, उसने विश्वास किया। नंबर दो, कान उन वाले लोगों के लिए बंद कर दिए जो कह रहे थे यह कैसे हो सकता है, वह कैसे हो सकता है, सबत के दिन क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये उचित है या नहीं है उचित, बल्कि उसने परमेश्वर की ओर कान लगाए और उसकी ओर आशा करी और उसकी आज्ञा भी मानी। उसके लिए कान खोल दिए, विरोधियों के लिए कान बंद कर दिए। अगर आज आपको चंगाई चाहिए, चाहे वो कितने भी इम्पॉसिबल बात क्यों ना हो, जरा दुनिया के लिए कान बंद कर दे, बिल्कुल बिल्कुल बहरे बन जाओ ऐसे लोगों के लिए जो आपको विश्वास से नीचे खींचते रहते हैं, जो हमेशा अपने मुंह से नेगेटिव बोलते रहते हैं, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, ये क्यों हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये उचित है, ये अनुचित है, अलाना फलाना बातें, जो बिब्लिकल बात है, जो बाइबल की बात है वही उचित बात है। बस बाइबल के अगेंस्ट जाके कोई दूसरे तरीके से चंगाई बता रहे हैं, जैसे तंत्र मंत्र जादू टोने, ये सारे इलाज दुनियावी, इन बातों के लिए कानों को बंद कर दें, क्योंकि वचन हमें ये बातें नहीं बता रहा। बहुत सारे लोगों को आपने भी सुना है, हम इंडिया में बहुत सारी बातें, तांत्रिक ठीक कर देगा, नजर का टीका लगाने से ठीक हो जाएगा, है काला लगा दो तो वो बच जाएगा, बच्चे को खाना सामने नहीं खिलाओ तो नजर लग जाएगी, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो मत जाओ। परमेश्वर के बनाए हुए सब दिन, परमेश्वर के बनाए हुए सब पशु पक्षी जंतु, कौन शुभ कौन अशुभ और क्यों होगा? जब प्रभु का प्रोटेक्शन आपके साथ है तो ये सब क्यों होगा? हम अवश्य प्रार्थना करेंगे ब्रदर, स्मॉल चिकन पॉक्स जिस भाई को है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हैं, सभी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे हम वचन के बाद। तो ये विश्वास की जो बात है, उसके उसके बाद जो अविश्वासियों की जो बात आपके कानों में आ रही है ना, उसको बंद कर ले, जैसे इस व्यक्ति ने किया, और उसका हाथ तुरंत ठीक हो गया, इंस्टेंट हीलिंग। ऐसा नहीं हुआ कि उसने कहा दोबारा आना, दुआ कराने, दो दिन बाद आना, तीन दिन बाद आना, दस दिन बाद आना। यीशु मसीह की सामर्थ्य ऐसी थी, वहां के वहां उसी वक्त उसने चंगाई दी। आज झूठे प्रचारक या जिन पे हीलिंग का गिफ्ट नहीं है वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो हर समय क्या बोलते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप सब जानते हैं हम इंसान है ना, तो किसी को बीमार कर सकते हैं ना किसी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इंसान है, इंसान में वो सामर्थ नहीं है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, करेगा, कर रहा है निरंतर, और सबके लिए, सबके लिए, जितने उसके पास आएंगे उन्हें वो अपने पास से नहीं निकालेगा, क्योंकि प्रभु का प्यार सारी सृष्टि के लिए है। बस अपने मनों को तोड़ के विश्वास से आना है। उसके बाद देखिए प्रेरितों के काम 3 और उसके 16 में कि यीशु के नाम में सामर्थ्य, वो यीशु मसीह के नाम में जो हीलिंग की पावर, नाम की बात यहाँ पर कही गई है कि ये जो सारी चंगाई हो रही है ना, जो अभी मैंने आपको बताया, जो सुनते जा रहे हैं आप, मैंने मैंने कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं वहां गया, मैं वहां गया, मैंने वो कर दिया कहते हैं, लेकिन यहाँ
सारी बात सिर्फ एक ही नाम में होनी है, यीशु के नाम में, बाइबल के मुताबिक बता रही हूँ। अगर तांत्रिक पे, मांत्रिक पे, जादू टोने पे, रिवाजों पे, नजर के टोने टोटके पे, ये पहनने वो पहनने से आपको लग रहा है आप ठीक हो गए, तो वो बाइबल का तरीका नहीं है। और दो नाव पे सवारी ना करे बिल्कुल भी, ये भी और वो भी, मसीही लोग भी काले काले वो और धागे और क्या 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 पहनने पहनाते हैं और क्या क्या मानते हैं, प्रभु का वचन हमें नहीं कहता। परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य, सिर्फ यीशु के नाम में सामर्थ्य है। देखिए उसके बाद अगर आप पूछेंगे कि ये क्यों बात है, ये क्या बात है, ये रास्ता क्या है चंगाई का, तो मैं उसके विषय में बताना चाहूंगी आपको। एक पास्टर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है तो मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। वो यीशु मसीह को बहुत प्रेम करते थे, उसके पीछे चलते थे, यीशु जीवित खुदा मानते थे, लेकिन उसके एक मित्र थे, वो बार बार कहते थे कि भाई कहाँ यीशु जीवित है, तो क्या बात कह रहा है, तो ये कह रहा है, वो कह रहा है, इसी इसी की तरह जो दूसरा बंदा अभी पीछे से कह रहा है, सबद के दिन ये उचित नहीं और वो उचित नहीं, वैसे वो भी उसको बोलते थे हर समय हर समय। तो उन्होंने एक दिन उसको एक कहानी की तरह इन पास्टर ने बात पूछी कि मुझे तुम एक सवाल बताओ, आज तुम सारे सवाल मुझसे पूछते, आज तुम बताओ मुझे इस सवाल को। और वो सवाल ये है कि मुझे जरा ये बताओ कि मैं कहीं जा रहा था रास्ते में और आगे जाके रास्ता भटक गया, भूल गया, दो दो रोड थी, किधर को जा रही थी उधर को जा रही थी, पता नहीं चला मुझे किधर को जाऊं। तो उन्होंने कहा किसी से पूछ लेते, नहीं पता चल रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने यही कोशिश की, वहां पे दो लोग मुझे नजर आए, एक तो जीवित आदमी खड़ा हुआ था और एक उसके पास लाश पड़ी हुई थी, किससे पूछूं। उन्होंने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, लाश क्या जवाब देगी, मर चुका जो, वो कैसे बताएगा तुम्हें रास्ता जो खुद ही मर गया, जीवित वाले से पूछो। पास्टर ने कहा वही तो मैं कर रहा हूं, सिर्फ एकमात्र यीशु ही तो है जो जीवित है, जिसकी कब्र खाली है, जहां पर कोई नहीं है, जो जीवित है, जो बात करता है, जो जवाब देता है, जो कहता है मैं वो प्रभु नहीं हूँ कि जो आंखें रहे और देख नहीं सकते, कान रहे और सुन नहीं सकते, ना मेरा हाथ इतना छोटा है कि मैं उद्धार ना कर सकूं। जरूरत क्या है, उस सच्चे व्यक्ति से ही तो रास्ता पूछोगे, जो जीवित है वही आपको बताएगा जीवन का रास्ता, जो कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ और हमेशा की जिंदगी का रास्ता मैं हूँ। तो उसी की तरह हमें भी ये फेथ के साथ तो पाना है, लेकिन यीशु के नाम में पाना है। जैसे कि हमने बाद में देखने बाइबल में पतरस और यूहन्ना थे, यीशु मसीह के शागिर्द थे और वो सिंपल लोग थे, यानी स्कूल पर्सन लिखा है उनके लिए, वो मछुआरे थे, वो हाई फाई पढ़े लिखे लोग नहीं थे, आज की तरह नहीं है। पहले हम देखेंगे स्टेटस कितना है, कौन से स्टैंडर्ड का है, कितना पढ़ा लिखा है, कितनी डिग्री है, कितना थियोलॉजी पढ़ा है, कितना हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा है, तब हम बोलेंगे। ये तो सिंपल लोग, लेकिन क्या करा, एक जन्म के लंगड़े को जो कह रहा है उनसे भीख मांगने की आशा से, देखा इनके पास नहीं था कुछ देने को, और क्या कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम में चल फिर, और लंगड़ा चलने लगा। है कि नहीं ताजुब की बात, बहुत ही ताजुब की बात है। और ये कोई वचन में लिखी हुई कहानी नहीं है, ये आज की तारीख तक चल रहे हैं, भले ही लोग इसको छुपाते रहे, झूठ बोलते रहे, बनाते रहे कहानियां, लेकिन सत्य है, सत्य ही रहेगी। तो परमेश्वर आपको वो वरदान जब देता है, वो कैसे इस्तेमाल करने हैं, यीशु के नाम में, उस सामर्थ्य नाम में इस्तेमाल करना है, जैसे कि इन लोगों ने किया, पतरस और यूहन्ना ने, जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन परमेश्वर की संगति में रहते 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 ये सब सीख गए। ऐसे ही आप और मैं भी कैसे सीखेंगे, परमेश्वर की संगति में रहते रहते, जितना उसके साथ रहोगे उतना ही सीखोगे और समझोगे कि क्या प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है। अगली बात है लूका 17 और 12 में, कि बहुत ही एक आज्ञाकारिता की बात है। यहाँ पर एक ऐसा वर्णन था कि जो कोढ़ियों को जब ठीक किया था प्रभु ने, और एक खास ध्यान देने वाली बात पे मैं गौर कराना चाहूंगी, जब कोढ़ियों को ठीक किया था तो परमेश्वर यीशु ने कहा कि अपने जाके अपने आप को दिखा याजकों को। उस समय ऐसा रिवाज था कि जो कोढ़ी लोग हैं वो अलग रहा करते थे, अलग बस्ती में रहते थे, छुआछूत की तरह बात की ताकि फैले ना, और इस प्रकार का उस समय का काल की बात है, इस तरह थी, लेकिन अपने को दिखाना पड़ता था कि हम ठीक हो गए हैं, जब ठीक हो जाए
और वो कह दे आप ठीक है, तो आप सब फिर से सबसे फिर से सोशली आप मिल सकते हैं, फिर से आप वहां रह सकते हैं। तो यीशु मसीह ने इनको कहा कि जब आपने आपको दिखा, और जब ये लौटे अपने रास्ते पे जाते जाते, रास्ते में जाते जाते ये ठीक हो गए। पहली बार में तो इंस्टेंटली वही ठीक हुआ, लेकिन ये लोग रास्ते में जाते हुए हुए क्योंकि ये आज्ञाकारी थे। इन्होंने वो बात मान ली जब प्रभु ने कहा अपने को जाके दिखा, जाके दिखाने के लिए जा रहे थे और ठीक हो गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद है उसके सुंदर वचन के लिए। अब हम हीलिंग के बारे में और खास बातें देखेंगे कि आप और मैं क्या करें, क्या करना है आप मुझे और आपको कि हम परमेश्वर के नाम में वो चंगाई पा सके। पहली बात है प्रार्थना, जो वचन अभी बता रहा है कि किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, या शैतानी बंधन क्यों ना, कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी प्रभु के नाम में प्रार्थना से होनी है। दूसरी बात है वो वचन क्लेम करने से, जैसे अभी हमने बोला यीशु के कोड़े खाने से चंगे होते हैं। कोई ये मंत्र नहीं है किसको सिर्फ आप 100-100 बार 20-20 बार रटोगे तो आपको चमत्कार होगा, नहीं, भले ही एक बार बोलो मगर आत्मा से भरपूर प्रभावशाली तरीके से उसको क्लेम करके ग्रहण करने के बाद, बिना ग्रहण करने के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के प्रभाव से हमने वो बोला। जैसे यूहन्ना 4 और उसके 49 से 51 में हम एक बात देखते हैं, यहाँ पर एक अधिकारी था और वो अपने बेटे की चंगाई के लिए गया यीशु मसीह के पास, मेरे बेटे को ठीक कर दो, मर रहा है, मरने वाले पर है, जल्दी आप ठीक कर दो। और यीशु मसीह ने वहीं से उसको बोला कि जा तू अपने घर जा, तेरा बेटा जीवित है। और वो चला गया और जाके देखा कि वो ठीक है, चंगाई है। यहाँ पे बात ध्यान देने की क्या है, किस व्यक्ति का विश्वास देखिए आप। यीशु मसीह तो थे ही जो सामर्थ्य है, उसकी तो बात की नहीं जा सकती, लेकिन ये व्यक्ति, कहीं आप और मैं होते ऐसा विश्वास, हम कहते नहीं नहीं आपको तो चलना पड़ेगा जब तक आप छुओगे नहीं, देखोगे नहीं, मिलोगे नहीं, और जैसे और लोगों का वो नहीं करोगे तो कैसे ठीक होगा। सवाल और जवाब क्यों और क्या, अपने लॉजिक जब लगाने लगेंगे अपनी उस चमत्कार को खो देते हैं अपने अविश्वास के जरिए, क्योंकि परमेश्वर का कार्य अलग अलग है, उसके तरीके अलग अलग है। चंगा वो करना चाहता है, खुश आनंदी स्वस्थ वो रखना चाहता है, उसके तरीके देखिए आपने सब जगह अलग अलग तरीके से प्रभु ने ठीक किया। तो ना समय की सीमा है, ना दूरी की सीमा है, मुंह से बोले गए बात में इतनी अथॉरिटी है, जैसे सृष्टिकर्ता ने जब दुनिया बनाई बोला बोला और हो गया, पृथ्वी बन जाए, सूर्य बन जाए, चंद्रमा बन जाए तो बन गया। और वही बात यहाँ पर प्रभु ने सिर्फ बोली, तेरा बेटा जीवित है और वो रहा। बाद में लाजर को भी सिर्फ बोला, कुछ करा नहीं, लाजर निकला, 3 दिन का मरा हुआ वो निकल के आ गया। तो वो सारी बातें तो आप सब हम जानते हैं, लेकिन क्यों हम वो क्लेम नहीं करते, क्यों? वो बातें तो सब जानते हैं आप और मैं, बचपन से सुन रहे होंगे ये बातें, संडे स्कूल के समय से अभी तक हमने सुनी, लेकिन करी कितनी बार, कितनी बार। मैंने भी बहुत बाद में जाना, बहुत समय से सुना था, बाइबल पढ़ना समझना सब कुछ, लेकिन ये सामर्थ सच में आपके मेरे लिए आज के लिए भी है, अभी के लिए भी है। ये तभी जानेंगे जब करेंगे, चखने से, करने से, प्रैक्टिकली उसको करने से ही हमने जानना है। उसके बाद देखिए प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 33 से 34 में यहाँ पर एक वर्णन है कि 8 साल से एक पैरालाइज्ड आदमी था और उसको पतरस ने बोला यीशु मसीह के नाम से कि यीशु तुझे ठीक करता, वो भी इमीडिएटली ठीक हो गया। यहाँ पर चंगाई अब बात आ गई पतरस की, यीशु मसीह ने नहीं किया ये, पतरस ने कर दिया, उसके शागिर्द ने। यानी जब प्रभु की सामर्थ और उनके वर्ड्स को कैसे यूज करना है उसके साथ रहते रहते ये सीख गए। पतरस और यूहन्ना भी वही काम करने लगे धीरे धीरे, और चुनने लगे लोग, और लोग भी इसी तरह काम करने लगे, और आज तक चल रहा है वो चंगाई का काम। और मैं चाहती हूँ प्रभु आपको मुझे एक एक जन को प्रबलता से इस्तेमाल करें बहुत अच्छी रीति से, चाहे आप युवा हैं, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे आप कह रहे हैं मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, क्योंकि सामर्थ्य प्रभु की है, आपके और मेरे आने ना आने से कुछ नहीं होने वाला, सामर्थ्य परमेश्वर की है, वो चाहेगा तो आपको प्रबल रीति से इस्तेमाल करेगा। उसके बाद हम देखेंगे इसी प्रकार की घटना है, वो भी प्रेरितों के काम 14 अध्याय में 8 से 10 वचन में है। यहाँ पर ये बात कि यहाँ पर एक
बात बताई गई है कि एक लंगड़ा था जिस जन्म से उसके पैर खराब थे, और वही बात हुई थी कि किस प्रकार पेड़ से उसने कहा कि जोर से कहा कि अपने पैरों पे खड़ा हो, और वो इस तरह से खड़ा हो गया। यहाँ पे भी स्पोकन वर्ड की, बोलने गए शब्द की सामर्थ्य, कुछ करा नहीं था काम, ऐसे नहीं है कि कुछ हुआ कुछ करा कोई प्रोसेस किया, सिर्फ बोलने से ऐसे बात हुई थी। और बाद में आप और मैं भी ये वचन क्लेम करें, प्रार्थनाएं करें और वचन क्लेम करें, उसके बाद हाथ रख के प्रार्थना। हाथ रख के प्रार्थना तो हम लोग करते हैं बहुत ज्यादा, मैंने देखा है, लेकिन जब बात आती है दुष्ट आत्मा वाली बात पे हाथ रखने की तो हम डर जाते हैं, क्यों, अगर हम विश्वास में कच्चे हैं तो। लेकिन हम उसकी सामर्थ्य से भर के, आत्मा से भर के जाए, भले ही टीनेजर है भले ही युवा है, तैयार हो के आत्मा के हथियारों को ग्रहण करके जाए, तो ये सारी बातों पर भी हम विजय पाते हैं। एक्ट्स 9 में उसके 10 और 11 में, फिर 17 से 18 में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सारी बातें बताई गई थी कि ये साइन होंगे, ये चिन्ह होंगे एक विश्वासी के कि उसने ये सब बातें करनी है, चंगाई देनी, हाथ रखना, प्रार्थना करना। उसके बाद एक खास, एक और पॉइंट पे मैं गौर करना चाहूंगी कि एक साधारण व्यक्ति था यहाँ पे अनन्यास, जिसको प्रभु ने कहा कि जाके शाऊल के लिए प्रार्थना कर उसकी आंखों पे, और वो अंधा जो हो गया वो देखने लगेगा। और ये यहाँ पे गया परमेश्वर की बुलाहट से, जैसे प्रभु ने कहा, गया और काम होने लगा, जबकि जो जो गया था वो बहुत ही ऑर्डिनरी आदमी था, सिर्फ भक्त था प्रभु का, कोई बहुत बड़ा हाई फाई प्रॉफिट नहीं था। कहने का मायने ये है, अगर परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई कर रही है, बहुत लोगों को बहुत स्पष्ट करती है, दुनिया नहीं मानती, मैं मानती हूँ, आप भी मानते होंगे, बहुत सारे लोग विजन की बात, ऑडिबल वॉइस की आवाज, प्रभु की आत्मा की अगुवाई की आवाज आज भी है। अगर प्रभु आपको बोल रहा है स्पेसिफिक, इतने बजे जा, इतने यहाँ जा, इस जगह जा, वो जा, उस व्यक्ति के पास जा, प्रार्थना कर, तो आज्ञाकारी बने, उतना साहस करें कि हमने जाना है करना, ये ना सोचे जाने से पहले डर जाते, मैं दुआ करूंगा और वो ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं ये करूंगा वो नहीं हुआ, मतलब नेगेटिव वाली बात जो आपके कान में आ रही है, वो सारे नेगेटिव थॉट्स हटाते हुए, जो हमारी कमजोरी के इंसानी जो शैतान की ओर से भी सिखाए हुए, उनको बंद कर देना कानों को, और परमेश्वर की सामर्थ्य से भर के आप जाए, क्योंकि प्रभु ने अगर आपको कहा, जब इसको इस्तेमाल कर सकता है साधारण व्यक्ति को, जो सिर्फ प्रभु का भक्त था, अच्छा था, रेपुटेड था, लेकिन भक्त था सिर्फ। उसके बाद चौथी बात है कि हम उस वचन से भरपूर होके जाए, लैस होके, जो भी मैंने आपको बताया, आत्मा की तलवार तो है, और तलवार को इस्तेमाल कब करना है, जब शत्रु का आक्रमण होने लगे तब इस्तेमाल करना है, तब निकाल लेना है। आज आपकी और मेरी वो आत्मा की तलवार जो है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो है, स्पिरिचुअल हथियार जो है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि है हमारे पास, पता नहीं कहाँ पड़ी है वो तलवार, जंक लगे पड़े हैं, पता नहीं है कहाँ है, और जब जरूरत हो रही है तो दूसरे से मांगने जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा प्रोफेट है उसके पास जाओ, वो बहुत बड़ा प्रचारक है, वो विजन देखने वाला है, वो बताएगा, वो सुनाएगा, वो ये करेगा। और प्रभु ने ये सब को दिया हुआ है वरदान, हर एक को, एक एक को ग्रहण कर ले वो वरदानों को आत्मा के। देखिए प्रोवर्ब्स में नीति वचन 4 अध्याय उसके 20-22 में जो कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा की बातों पर ध्यान कर, और अपने गले में, हृदय की पटिया पर उसको लिख ले, क्योंकि वो तो तेरे पूरे मन को और पूरे शरीर को भी स्वस्थ रखेगी और आनंदित रखेगी। वचन सामर्थ्य से उसको भर ले, अपने हृदय की पटिया पर लिख ले, रात दिन उस पर मनन किया करें। वचन सिर्फ बाइबिल में नहीं है, जब बस जाता है दिल में ना, जब आत्मा में वचन बस जाता है, आप देखते हैं चलते फिरते उठते बैठते खुद ही हमारे मुंह से वचन निकलते रहते हैं, हम उसको देखना पड़ना, कागज में नहीं देखना पड़ता, बार बार लेके कुछ जाते हैं, बोलते कुछ और है, क्यों, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि, उसकी अगुवाई, उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम में काम करती है। और वो कहता है वायदा बोलने वाले तुम नहीं हो, पर प्रभु का आत्मा तुझ में बोलेगा, करने वाले तुम नहीं हो, पर प्रभु का आत्मा तुम में काम करेगा। तो आज उस हथियारों को, आत्मिक हथियारों को ग्रहण कर लेना है हमने, जो हमारे जीवन के लिए, आत्मा के लिए भी जीवन है और शरीर के लिए भी, दोनों के स्वास्थ्य के लिए। और अगली बात है, उस समय करते थे वो, एक था प्रार्थना के वस्त्र तक में छूने में सामर्थ्य आने लगी। ये देखिए एक्ट्स में 19 अध्याय 11-12 में ऐसा वर्णन है कि पौलुस
के लोग वस्त्र छुआने लगे, इतनी सामर्थ थी कि ना केवल यीशु मसीह बल्कि उसके फॉलोवर पे इतनी सामर्थ, इतनी अनॉइंटिंग प्रभु ने दी कि लोग वस्त्र छुआने लगे, वस्त्र में भी सामर्थ आ गई। और अगली बात है, जब हमारा हृदय आनंदित होता है तभी शरीर भी स्वस्थ रहता है। जो वचन कह रहा है हमें प्रोवर्ब्स नीति वचन 17 में है कि एक चीयरफुल हार्ट जो है, एक आनंदित हृदय ही सबसे अच्छी दवा है। और दिल सुखी आनंदित कब रहेगा? जब प्रभु की सामर्थ से, आत्मा से भरा रहेगा। और जब प्रभु की आत्मा सामर्थ से हमारे दिल भर जाते हैं तो आप यकीन नहीं कर सकते बहुत सारे लोग, लेकिन चाहे आपके घर में मृत्यु आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे महामारी आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, 2 मिनट आप जब तक इंसानी स्वरूप में आंसू बहाएंगे, रोएंगे, और जहां आप पे आया आत्मा प्रभु का ऐसा चट्टान जैसा हमें बना के खड़ा कर देता है कि कोई हिला नहीं सकता। और लोग जो सामान्य बुद्धि के वो सोचते हैं ये क्यों नहीं रो रहा, ये क्यों नहीं मातम मना रहा, ये क्यों नहीं दुखी हो रहा, भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा आनंद प्रभु का आनंद है। वो हमें सामर्थ्य बनाता है जब हम निर्बल होते हैं। और एक और खास बात है जो हम कई बार गौर नहीं करते, वो है प्रभु भोज, होली कम्युनियन भी हमें चंगाई देता है, वो भी हमें चंगाई देता है। उसको हम उस तरह अगर ग्रहण करके ली, जो गलत तरीके से ग्रहण करते हैं, वचन बताता है कि वो बीमार भी कर सकता है, क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं करते लेकिन रिवाज की तरह फॉलो कर रहे हैं, और मन में हम बुराई लिए हुए, पाप लिए हुए, गुस्सा लिए हुए, किसी को अगर हमने क्षमा नहीं किया हुआ है और फिर भी हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं, तो ये हम स्वयं आमंत्रण दे रहे बीमारियों। लेकिन जब हम ग्रहण कर रहे हैं पूरी पवित्रता के साथ, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हुए उसको ग्रहण करते हुए, तो ये वचन हमको बता रहा है कि उससे भी हमें चंगाई मिलती, किसी भी बीमारी क्यों ना हो। प्रभु भोज आत्मिक रीति से ग्रहण करने से चंगाई मिलती है, आत्मा की चंगाई, हृदय की चंगाई और शरीर की चंगाई भी। 8वीं बात है जो वचन बता रहा है कि चर्च के एल्डर्स को बुलाते थे कि अनॉइंटिंग करके तेल से प्रार्थना करते थे, तेल लगाते। वो बात ऐसा नहीं है कि वो बिब्लिकल नहीं है बात, बाइबिल की बात है। अनबिब्लिकल क्या है? ये तेल और पानी बेचना जो बाइबिल की नहीं है। प्रार्थना करना ठीक है, हाथ रखना ठीक है, और ऑयल लगाना भी ठीक है, लेकिन उसको बेचना ठीक नहीं। तो हम उस पर प्रार्थना जब करें सामर्थ्य के साथ, चेक करें, चक के देखें, परख के देखें, प्रभु आपको भी इस्तेमाल कर सकता है प्रबल रीति से। याकूब 5:14-15 में है इसका वर्णन, आप देख सकते हैं। और अभी उससे नेक्स्ट बात है कि कई बार बीमारी तुरंत मिलती थी शैतानी छुटकारे से। कई बार बीमारियां शैतानी भी हैं, जिसको आज मेडिकल साइंस नहीं मानता, जिसको आज के लोग कहते हैं कि तुम क्या बैकवर्ड हो, क्या नैरो माइंडेड हो, लेकिन ये सत्य है। पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा भी है, शैतानी बीमारियां भी हैं, और इसका वर्णन बाइबल में भरा पड़ा। देखिए मत्ती 17 उसके 15-18 में, जब दुष्ट आत्मा थी उसके ऊपर, तो उसके बेटे के ऊपर, उसने कहा मेरे बेटे पर दया कर, क्योंकि उसको झाग आते हैं मुंह से और ये दौरा पड़ता है उसके ऊपर, और वो पानी में गिर जाता है या आग में गिर जाता है। तो देखिए यीशु मसीह ने शैतान को डांटा कि उस लड़के में से निकला, और उस ही क्षण उसको चंगाई मिली। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह समझ गए, पता चल गया ये क्या बीमारी है, वो व्यक्ति को भी पता चल गया कि क्या बीमारी है। लोग माने या नहीं माने, लेकिन ये मैंने बहुत नजदीक से देखा। आप जितने जुड़े हैं, जो भी बाइबल जानते हैं, वो सब जानते हैं कि ये सत्य बात है। कितनी बीमारियां शैतान की लाई हुई बीमारियां हैं, और बुरी से बुरी बीमारियां भी। कितने लोगों के लिए तो आप देखते हैं जब प्रार्थना करते हैं हाथ रख के, उनका नीला रंग भागने लगता शरीर में, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। क्यों? क्योंकि अगर शरीर की बीमारी होगी तो कैसे भाग सकता है वो कलर, लेकिन जब शैतानी होगी तो दुआ जहां जा रख के करो, वो भागने लगेगा इधर उधर, क्योंकि शैतान यीशु मसीह के नाम से डरता, थरथराता और कांपता है। चाहे फुसफुसा के भी बोलो यीशु, तो भी जिन्हें यकीन नहीं है आजमा के देखें, पूर्ण छुटकारा पाने के लिए। तांत्रिक मांत्रिक आपको छुटकारे, जादू टोने टोटके नहीं देते, आपका पैसा भी खींच लेते हैं। और वचन क्या बताता है कि ये इस तरह से अगर निकालोगे दूसरी तरीके से, तो बुरी आत्मा जो जाएगी अपने साथ साथ को और लेके आ जाएगी, यानी जो इसके गिरफ्त में पड़े वो छुटकारा नहीं पाते। लेकिन यीशु मसीह के नाम में
इन दुष्टात्माओं से जो छुटकारा है वो परमानेंट है, हमेशा के लिए छुटकारा है, आजमा के देखें। उसके बाद एक और बीमारी बहुत स्पष्ट बताई गई थी, लूका 13 उसके 10 से 13 में, जो आप सब जानते हैं कि कुबड़ी स्त्री थी, इतने सालों से देखी है और वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी 18 सालों से। सोचिए 18 इयर्स, इमेजिन करो 18 साल से कोई कुबड़ी है और वो सीधी नहीं हो सक रही और लोग नहीं समझ रहे कि क्या बात है। सारा पैसा वो वैद्य पे, हकीम पे, डॉक्टरों पे उसने लुटा दिया, लेकिन वो सीधी नहीं हो सकी। और यहाँ यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया, उसको चंगाई दी और उसको ठीक किया पूरी रीति से। कहीं ऐसे ही आपके आसपास कोई ऐसी बीमारियां परेशानियां हो जो कई बार डॉक्टर को समझ में नहीं आती, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है लेकिन आदमी बीमार ही रहता, सत्य वहां आजमाए प्रभु की सामर्थ को, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो सारी बीमारियों को चंगाई देने वाला है, मृत्यु से भी फतेहमंद जो होके आया है और चंगाई देने वाला परमेश्वर है। कई बार प्रभु ने अलग 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 तरीके से चंगाई दी है जो हमने हमने प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन हमने समझना है कि कई बार हम जब अपने लॉजिक लगाते कि उसको इस तरह से दी थी, उसको उस तरह से दी थी, मुझे किस तरह देगा। हर एक के लिए प्रभु का अपना अलग अलग प्रयोजन है। जैसे यहाँ एक अंधे आदमी को थी जिसको उसने मिट्टी लगाई सान के और फिर कहा जा सिलोम में धो के, और वो गया और देखने लगा। अब उसने सवाल जवाब नहीं करे। आप और मैं होंगे तो हम कहेंगे मैं वहीं पे क्यों जाऊं धोने में, इधर क्यों नहीं जाऊं, इस वाली जगह से क्यों नहीं धो सकता, उस वाली जगह में क्यों जाऊं। जहां आपने लगाए अपने लॉजिक, आज्ञाकारिता से हटके आप अपनी युक्ति लगा रहे हैं कि नहीं। बहुत लोगों को देखा है जो अपनी युक्ति बताने लगते हैं कि ये भी कर लो और वो भी कर लो, चर्च भी जाओ, दुआ भी करो और ये भी करो, तो टोना टोटका भी करो, तंत्र मंत्र भी करो, ये सब कुछ भी करो कि इससे भी छुटकारा मिलेगा, कील रख लो, लोहा रख लो, फलाना रख लो, ये सब कुछ कर लो छुटकारा मिलेगा, और चर्च भी जाओ, दुआ भी करो। तो नाव पे सवारी ना करें, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, तो प्रभु आपको इस्तेमाल करे प्रबल रीति से। एक ही रास्ता है, एक ही चंगाई की तरीका है जिससे हमने चंगाई मिलनी है आपको मुझे। तो यहाँ पे जो अलग अलग तरीके हैं कि छाया पड़ने से, कपड़ा छूने से हुआ, वो उन लोगों को हुआ, लेकिन हमारे लिए नहीं बता रखा परमेश्वर ने ये कि हमने हमने ये करने लगना है कि किसी व्यक्ति के हम कपड़े छुआने से हम छुए तो हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि सामर्थ और सिर्फ प्रभु में निकलती है ये। उसके बाद यहाँ पे न्यू टेस्टामेंट में इन घटनाओं के बाद इस तरीके का प्रयोग नहीं किया गया, ना ही वो हमें सिखाया गया परमेश्वर ने। तो आज अगर किसी को भी चंगाई की जरूरत है, ये सारे तरीके हमको प्रभु ने बता रखा है, हम सबको चंगाई की बात बता रखी है। पहले कह रहा है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर, उसके बाद यीशु मसीह ने स्वयं बहुत सारी चंगाई दी, उसके बाद उसके शागिर्दों ने दी, उसके बाद ये प्रोसेस चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। अब तक क्या क्या हो गया देखिए, मत्ती 10:8 में लिखा है कि उसने अपने शागिर्दों को बुला के अथॉरिटी दी, अधिकार दे दिया परमेश्वर ने, और कहा बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को चंगा करो। देखिए अपने शागिर्दों को इतनी भी बात बोल दी कि मुर्दे को भी जिलाओ, छोटी मोटी बात नहीं, मुर्दे को जिंदा करने की बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भी दे रहे थे। ये देखिए मैंने तुम्हें ये अथॉरिटी दी, सारी बात आप देख सकते हैं किन किन चीजों के ऊपर चंगाई के लिए सामर्थ्य देके नियुक्त किया प्रभु यीशु ने, और जानते हैं हम आगे की घटनाएं क्या क्या हुई। उसके बाद 72 और शागिर्द 72 लोगों को तैयार किया ये प्रभु यीशु ने कि वो चंगाई के काम के लिए कहा, और किस प्रकार से कहा था कि इस तरह से तुम जाओ। लूका 10 में आप देख सकते हैं, पहले वचन में, फिर 8वें 9वें वचन पे आप देख सकते हैं कि कैसे तैयार किया और कहा कि दो दो करके जाना, कैसे जाना, और ये सारी चिन्ह बताए विश्वासियों के होंगे। अगर आप और मैं अपने को विश्वासी कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, मसीह के फॉलोवर कहते हैं, और हमारे में ये चिन्ह नहीं है, तो जरा चेक करो कैसे विश्वासी हैं, क्योंकि विश्वासी में ये चिन्ह बता रखे परमेश्वर ने, क्यों नहीं है हमारे में, और है तो हमने चेक ही नहीं करें, हम निगाह दूसरे की ओर लगाए बैठे हैं कि दूसरा हमको देगा चंगाई, जहाँ डॉक्टर मना कर देता हम मान के बैठ जाते हैं, बस सत्य, बस बस, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हम इंसान है, होता है, हम सब के साथ हुआ, लेकिन जब चख लिया, जब जान लिया कि प्रभु बहुत दूर का नहीं, नजदीक का परमेश्वर है, आपके मेरे नजदीक का। आज अगर आप चंगाई चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ चाहते हैं, तो आजमा के देखें, उन आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करके हमने देखना है।
और ये हीलिंग के जो वरदान की बात मैं बता रही हूँ, बहुत सारे वरदान है, पहला कुरंथियों 12 अध्याय में है, 7 से 11 में, उन पे मैं नहीं जाऊंगी। हम सब जानते हैं आत्मिक वरदानों के विषय में बात कही गई है, जिनमें एक वरदान है चंगाई का वरदान। अब वो जो चंगाई का वरदान है वो हर किसी के पास नहीं है, लेकिन हर किसी के लिए है, हर कोई पा सकता है प्रभु से मांगे तो। ये सारे वरदान 9 के 9 प्रभु अलग अलग को अलग अलग वरदान देता है। तो आप भी चाहते हैं अगर चंगाई का वरदान या स्वयं चंगाई या अपने साथी के लिए, तो ये सारी बातों पे हम गौर करना है हमने इसी बात पर कि हमारी मुख्य बात क्या है। और एक और खास बात इस पॉइंट पे मैं जरूर आना चाहूंगी, क्योंकि कई बार जब हम चमत्कारों की चंगाई की बात कहते हैं ना, तो अपने इलाज या डॉक्टर्स और उसकी बात को कंडम करने लगते हैं, जबकि बाइबल ये नहीं बताती है। देखिए दूसरा राजाओं 20:7 में ये लिखा है कि जब बीमारी थी या फोड़ा था, तो वहां पे बताया कि एक अंजीर के टिकिया बना के पट्टी बना के वहां लगाओ, पोल्टिस जिसे बोलते हैं, उस समय का इलाज बताया है इलाज। और भी जगहों में बताया है, लूका 10:34 में भी है कि उसमें बता घावों पर ऑयल और वाइन लगाने की बात बताई हुई है। कहीं पर भी प्रभु ये नहीं कह रहा है कि इलाज या अपनी सद्बुद्धि इस्तेमाल करके किस चीज से आप ठीक होते, वो करना ही नहीं है बिल्कुल ही। वो एक अलग बात है अगर प्रभु आप किसी को बिल्कुल ही अलग गवाही दे रहा है, बता रहा है, होली स्पिरिट की उसकी अगुवाई है, तब उसको चंगाई मिल रही है, तब वो छोड़ रहा है, अलग है। अदरवाइज ये सारे इलाज और सारी स्वाभाविक बुद्धि की भी बातें बता रखी है परमेश्वर ने वचन में, कि हमें ये सब भी तो करते रहना है। जो आज है वायरस है, अब कोरोना वायरस है, तो हम ठीक है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, सुरक्षित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के हम मास्क उतार के चलने लगे, हाथ ना धोए और भीड़ में जाने लगे और सब जानबूझ के अपने हम काम करने लगे, वो तो बात नहीं है। तो अपनी स्वाभाविक बुद्धि जो प्रभु ने दी है, जिस जगह हम रह रहे हैं वो भी हमें, उनको भी हमें उस माहौल को ध्यान में रखते हुए प्रभु हमें सामर्थ देता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं है। और एक आखिरी बात पर आते हुए खत्म करूंगी मैं, आखिरी बात है मृत्यु की बात। कई बार हम चंगाई के लिए दुआ कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और हम ये भूल जाते हैं, ये वाली बात हम भूल जाते हैं कि एक समय मृत्यु का भी तय है हर किसी का। और हम इंसान हैं तो हम अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, पति पत्नी, मित्र, जिससे हम प्रेम करते हैं, चाहते हैं वो जीता रहे, जीता रहे, जीता रहे, जीता रहे, भले ही 100 साल का भी हो जाए तभी भी चाहते हैं। और कितने आयु के दिनों, बहुत सारे लोग 100 से ऊपर हो रहे हैं आजकल, चलो 120 बस, फिर भी क्योंकि हम इंसान हैं, कितने भी साल हजारों भी क्यों जाए हमारा मन नहीं भरेगा, हम चाहेंगे जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे। लेकिन अय्यूब की पुस्तक देखें, वचन देखें, तो कहता आने का भी समय, जाने का भी समय है। परमेश्वर ने दिया, उसने लिया, उसके नाम का धन्यवाद हो। कई बार हम किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद परमेश्वर को ही बोलने लग जाते हैं कि मेरे इसको ले लिया, उसको ले लिया, जबकि उसका वो समय था, उसका वो वक्त था। और जो प्रभु में मरते हैं वो मरते नहीं, उसके बाद सब हम जानते हैं अनंत जीवन की क्या योजना है। तो जब हम ये कॉन्सेप्ट, ये पूरी बातों को हम समझ जाते हैं जो वचन बताता है, जीवन की बात, मृत्यु की बात, मृत्यु के बाद की बात, स्वर्ग की बात, नरक की बात, सब कुछ तो बता रखा है, क्या नहीं बता रखा बाइबल में, तो हमारे मन से डर भी हट जाता है मृत्यु का भी और मृत्यु के बाद होने का भी। ये एक ऐसी बात है जो मसीह विश्वास में पाई जाती है, जो हमें बिल्कुल मजबूत बना के खड़ा करती है। जैसे पौलुस कहता है, मेरा जीना मसीह, मरना भी लाभ है। तो आज इस वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। इसके बाद हम जाएंगे आराधना में दोबारा, और जो भी ऑफरिंग का प्रोसेस है वो उसके बाद हम प्रार्थना के सेशन में जाएंगे। जितने भी लोग और भी देना चाहते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट वो दे सकते हैं, कुछ यहाँ पर आ गए हैं अभी, और प्रेयर जाएंगे उसके बाद, उससे पहले आराधना में जाएंगे। थैंक यू सो मच। सो प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए जो सिस्टर के द्वारा हुआ। सिस्टर आप, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। सच बात है, बाइबल में एक चीज लिखी है कि जब यीशु मसीह बीमारों को देखते थे तो उनको तरस आता था ना। सो वो पहले तरस खाते थे लोगों पे, फिर वो कहते थे
जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हर जगह उन्होंने यही बोला, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे दिन के लिए, अच्छे समय के लिए। सो अब ये ऑफरिंग का समय होगा, उसके बाद आप कहीं मत जाइएगा, हमारी इसके बाद हीलिंग प्रेयर होगी। आप प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हम सिस्टर आपके लिए प्रेयर करेंगी। सो इससे पहले हम ऑफरिंग में जाएंगे, मैं आपके सामने ऑफरिंग का डिटेल्स दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप हमें भेज सकते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप ऑनलाइन ऑफरिंग दे सकते हैं। और अब हम एक गीत गाएंगे छोटा सा, परमेश्वर को आशीष देंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 यीशु तेरा, यीशु तेरा। तूने मुझको बनाया तेरा धन्यवाद, अपने जैसा रचाया तेरा नाम। तूने मुझको बनाया तेरा धन्यवाद, अपने जैसा रचाया तेरा आपको धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। जितने लोगों ने ऑफरिंग दी है बीते समय और जितने लोग देंगे प्रभु जी, हम चाहते हैं आप उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें पिता परमेश्वर। मलाकी की किताब में जैसे आपने हमसे वायदा करा है, वैसा ही प्रभु जितने लोग हाथ बढ़ा के आपके स्वर के राज के लिए देते हैं प्रभु, हम आपको थैंक यू बोलते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। सो अब ये समय होगा सिस्टर का कि सिस्टर बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं देख रही हूँ और भी किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो भी दे सकते हैं अपने, इसके बाद हम जाएंगे प्रार्थना में। मैं नोट कर लेती हूँ, है मेरे पास यहाँ पर अभी। प्रभु आप सबको आज पूरी चंगाई दे और इसके बाद जितने भी लोगों के साथ परमेश्वर काम करता है, मैं चाहूंगी कि आने वाले दिनों में हम अपनी गवाहियां जरूर दें परमेश्वर को महिमा देने के लिए। यहाँ पे ना दें, कहीं पर भी दें, चर्च में दें, अपने कहीं भी दें, लेकिन प्रभु के नाम को रोशन करते रहे हम। जितने लोगों ने हमारे लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं वो मुझे मिल गए, हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे विशेष आनंद के लिए जिन्हें स्मॉल चिकन पॉक्स है, इसके बाद सिस्टर विद्या दयाल जिनके स्टोन से गॉल ब्लैडर में, उनकी चंगाई के लिए, और मिस शकुंतला लायर जिन्हें शुगर का प्रॉब्लम है, इसके बाद सिस्टर जरीना क्लोडियस का है उनके उनकी बेटी के लिए जिसको न्यूरो प्रॉब्लम है और उसका सीधे पैर में जो समस्या है जिसके वजह से चल नहीं पा रही है, और उसके बाद ब्रदर हंस के उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। और हम चाहेंगे कि हम सब लोग एक आत्मा होकर प्रार्थना करें, क्योंकि वचन क्या कहता है कि जहां दो लोग पृथ्वी पर एक मन होके मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा।
धर्मी की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकेगा, और धर्मी पुकारेगा तो मैं स्वर्ग से झुककर उसकी सुन लूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम सब शामिल हों, मैं चाहूंगी हम जितने लोग इकट्ठे हैं प्रार्थना में एक आत्मा होके मांग लें, और जितने लोगों के यहाँ नहीं आए या जो अभी फेसबुक पे आ रहे हैं या दूसरी जगह आ रहे हैं उनके मैं कमेंट्स बाद में दे पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं जूम पे ही देख रही हूँ जितने मेरे पास आए हैं। इसके अलावा भी आप उसमें टाइप कर सकते हैं, चाहे जूम पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पर, और हम सब बातों के लिए बाद में भी प्रार्थना करते रहेंगे। सेशन के बाद भी एक एक पॉइंट पर हम प्रार्थना करेंगे जब तक हमें गवाहियां ना मिले और परमेश्वर के नाम को महिमा ना मिले, क्योंकि मांगने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रार्थना में जाएंगे सबसे पहले विशेष आनंद जिन्हें स्मॉल चिकन पॉक्स से। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तो सामर्थ्य परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इस समय प्रार्थना करते हैं इस भाई विशेष के लिए जिन्हें स्मॉल चिकन पॉक्स की बात है, जिस किसी को भी यीशु नासरी के नाम में सर से लेके पैर तक छुपाते हैं, यीशु के पाक लहू में छिपाते हैं, और प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा हाथ इनके ऊपर प्रबल रीति से आए, खुदावन्द तेरे टच को महसूस करें, हर एक बीमारी को, हर एक परेशानी को, इसकी वजह से इनके शरीर में जो बीमारी है, कमजोरी है, दर्द है, बुखार है और भय है, भय की आत्मा को यीशु नासरी के नाम में निकालते हैं, बाहर करते हैं, इनके घराने पर बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। इनके मन में जो भी और बात है, अनस्पोकन बातें हैं परमेश्वर, वो भी तेरे आगे रखते हैं खुदावन, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, दिल के नजदीक रहने वाला परमेश्वर है प्रभु, प्यार से भरा परमेश्वर है। इसी वक्त हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इनको अपनी सुरक्षा में लिया, अब चारों ओर से यीशु मसीह के पाक लहू में छिपाते हुए प्रभु तेरे दूतों की छावनी बिठाते हुए, चाहते हैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं, क्योंकि तू कोड़े खा चुका है परमेश्वर, उसी बिलीफ के साथ मांग लेते हैं इसकी पूरी चंगाई, बिल्कुल यीशु नासरी के नाम में सारे बुखार को, बीमारी को हटाते हुए। दुआ करते हैं प्रभु सिस्टर विद्या दयाल के लिए जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की प्रॉब्लम है, प्रभु उनको बड़ी बरकत दीजिए, और प्रभु जो भी इनकी समस्या है, दर्द है, तकलीफ है, उसको जड़ से मिटा दीजिए प्रभु जी, आपके शिफा का हाथ अबाते शिकारा भाई नाम शपरा भाई सखारा भाई। धन्यवाद करते प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, धन्यवाद करते प्रभु कि आप इस बच्ची से, इस बेटी से, तेरी बेटी है प्रभु, जो तेरी बेटी है, जैसे तो कहता मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के ले जाने वाला परमेश्वर तेरे साथ हूँ, ना तो कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, और प्रभु जिसकी जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, शिफा देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई दीजिए। उसके बाद दुआ करते हैं मिस शकुंतला लायल के लिए जिन्हें शुगर का प्रॉब्लम है, और प्रभु उनकी डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हैं मसीह यीशु के नाम में, तेरे लहू में छिपा रहे प्रभु, तेरे लहू का बाड़ा लगाते हैं प्रभु जी, और हम मान लेते हैं कि वो चंगाई का काम पूरा हो चुका है, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, तो चंगाई दे चुका है, कोड़े खा चुका है, और प्रभु जी वो चंगाई हम रिसीव कर लेते हैं, क्लेम कर लेते हैं प्रभु जी, जो कहता है कि मेरा दरवाजा खटखटाओगे, मांगने वाले के लिए सब कुछ दूंगा, खटखटाने वालों को दूंगा प्रभु। आज एक मन होके हम यहाँ लोग मांग लेते हैं, आपकी उपस्थिति से आप भर दीजिए, तेरा धन्यवाद, क्योंकि आपकी प्रेजेंस इस समय यहाँ, बहन को प्रभु जी छू के पूरी चंगाई दीजिए प्रभु जी, बिल्कुल नॉर्मल आने पाए शुगर लेवल, और तेरे नाम में हम ये गवाही सुनने पाए, सारी बातों को तेरे कंट्रोल में कर देते प्रभु। दुआ करते हैं जरीना क्लोडियस मैडम के लिए और उनकी बेटी के लिए जिनको न्यूरो प्रॉब्लम है, और उसका सीधे पैर में जो समस्या, जो चल नहीं सकती, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते पिता आपका, क्योंकि आप आंसुओं से की गई प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, एक माता की प्रार्थना का बहुत ही आदर करने वाले परमेश्वर, एक हमारे गिराए हुए एक एक आंसू का आप हिसाब रखने वाले परमेश्वर है, जो कहते हैं मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, और प्रभु तुझ में किया गया परिश्रम हमारा व्यर्थ नहीं जाता प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा है, इनके सारे दुख के दिन बीत जाए यीशु नासरी के नाम में, अभी और इसी वक्त इनकी बेटी को प्रभु तेरे
तेरे प्रकाश में छिपाते हुए मसीह तेरे नाम में मांग लेते हैं, अपने दूतों की छावनी बिठाई इसी समय छूकर, छिदे हुए सामर्थ्य हाथ से प्रभु जी छूकर इसी वक्त आप चंगाई दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु। उनके पैरों में अपना ताकत दे, बल दे प्रभु, चलने पाए और कहने पाए यीशु जीवित परमेश्वर है जिसने मुझे छुआ और चंगाई दी। सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर, इसी वक्त इन सारे लोगों को जितनों ने चंगाई मांगाई है प्रभु जी, नया जीवन, नया स्वास्थ्य, नए ऑर्गन्स देते हैं यीशु नासरी के नाम में, परमेश्वर के पुत्र यीशु नासरी के नाम में। और आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन तेरा वचन नहीं चल सकता, तेरी सामर्थ नहीं हर कम हो सकती प्रभु जी। जो था, जो है, जो हमेशा रहने वाला जीवित परमेश्वर है, जो मृत्यु से भी फतेहमंद है, जो मौत के बीच में से भी निकाल के खड़ा करता है, आज इन सबों को प्रभु इन बीमारियों से, चाहे वो शरीर से बीमारी, चाहे मन से हो, चाहे आत्मा से हो, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम में निकालते बाहर करते हैं प्रभु। सारे शैतानी बंधनों को हटाते हुए ये सब यीशु मसीह के बच्चे उसके लहू का दाम देकर खरीदे गए हैं। किसी शैतानी बंधन का इन पे कोई अधिकार नहीं, किसी बीमारी का कोई अधिकार नहीं। उन डॉक्टर्स की सारी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में फुल अथॉरिटी के साथ, और चाहते हैं प्रभु जिनकी रिपोर्ट्स बदल जाए, मिरेकल हीलिंग एक एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में पाए जाए प्रभु जी। हर घुटना तेरे आगे झुके, हर जुबान मान ले कि तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु जी। जैसे आपने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुत तायत से उंडे लूंगा, युवा दर्शन देगी कि भविष्यवाणी करेंगे, उसके साथ साइंस वंडर्स और मिरेकल्स, क्योंकि तो हम अकेला नहीं छोड़ेगा प्रभु जी। जगत के अंत तक हमारे साथ रहने वाला, अपनी आत्मा से भरपूर करने वाले प्रभु जी, जितने लोग हमें साथ जुड़े हैं हर एक को आशीष दे, एक एक को आत्मा के वरदानों से भर दीजिए प्रभु, एक एक को प्रबल रीति से इस्तेमाल करिए प्रभु। आज वो आपके आत्मिक तोहफे पाए जो मुफ्त है, जो सबों के लिए है, और वो इधर उधर ना भटकते हुए तुझ सच्चे परमेश्वर की बातों को जाने। तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तो जीवन देने वाला परमेश्वर है, तो शांति देने वाला परमेश्वर है, तो आनंद देने वाला परमेश्वर है। हर भय की आत्मा को, है डिप्रेशन की आत्मा को, बीमारी से, उस सताव से, जिस पीड़ा से ये गुजर रहे, उस हर दर्द को यीशु नासरी के नाम में हटाते हुए इनके अंगों को नया बना दीजिए यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, हमारी हर प्रार्थना को हाँ में और आमीन में सुनने के लिए पिता आपका धन्यवाद हो। यीशु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। इन सारी बातों को हम आपके आगे रखते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सबका, जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े थे और इस टीम का। सिस्टर एक प्रेयर रिक्वेस्ट और पढ़ी है चैट, चैट पे आप देख सकते जी, मैं देखती हूँ अभी। उधर एक और हमारे पास रिक्वेस्ट आई है सिस्टर शालिनी दयाल, जिनको गले में कफ और स्वेलिंग है, इनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर शालिनी दयाल के लिए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वक्त के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय आपने हमें अपनी प्रेजेंस से कितना भरा है, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय आपकी उपस्थिति हमारे ऊपर है, जितने लोग यहाँ पे आज जुड़े हैं अपने दिलों को खोलिए, उसकी उपस्थिति को महसूस करें, अपने दिलों के दरवाजों को खोल के, जो कहते हैं मैं तेरे दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा खटखटाता हूँ, जितने मेरे स्वर सुन के खोलेंगे प्रभु, न केवल चंगाई की बल्कि आप हमारी संगति चाहते हैं। समय दुआ करते इस बहन के लिए प्रभु जी, शालिनी के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, जिनके गले में कफ है, स्वेलिंग है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई मांग लेते हैं, तेरे नाम में सामर्थ मांग लेते हैं प्रभु जी। इसी वक्त छूके आप चंगाई दीजिए प्रभु जी, इस बीमारी को, इस कफ को, खांसी को, और इन सारे रोगों को, इन सारे वायरस को हटाते हुए हम तेरे लहू में सुरक्षित रहें प्रभु जी। प्रभु तो सुरक्षा में रखिए, अपनी सुरक्षा में रखिए प्रभु जी, चंगाई दीजिए और सुनने पाए इनकी गवाही प्रभु, इस खांसी को जड़ से मिटाते हुए, उस दर्द को, तकलीफ को, स्वेलिंग को यीशु मसीह के नाम में निकालते हुए पूरी चंगाई क्लेम करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद है हमारे साथ उपस्थित होने के लिए, तेरा धन्यवाद है हमारे बीच में रहने के लिए पिता, तेरा धन्यवाद है कितना महान, सामर्थ्य, जीवित, दयालु परमेश्वर है, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर, दया से भरा हुआ परमेश्वर, हमारे जैसे अयोग्य लोगों के लिए हम जो बुलाते हैं प्रभु तो अपनी उपस्थिति से भरता है, आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, और हमें कहां से निकाल के कहां खड़ा करने वाला परमेश्वर, सारी महिमा तुझे देते हैं, सारा चला तुझे देते हैं। बहुत ही धन्यवाद के साथ इस बहन के लिए, चंगाई के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, हाँ और आमीन में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। वो ना
मेरा बेटा कल मैं प्रार्थना करवाई थी इसी में, मेरे बेटा को प्रभु ने जॉब दिया, अभी वो जाने में डर लग रहा है उसको, और थोड़ा सा खांसी जुखाम भी है, बुखार भी है, तो प्रार्थना कर दीजिए प्रभु उसको अच्छा से जाके काम करने पाए, और जो भी उसका शरीर में खांसी जुखाम है वो बुखार है जो भी ठीक हो जाए। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी जरूर दुआ करेंगे। क्या नाम है उसका, नाम क्या है? चलो हम आपके नाम से दुआ करेंगे, आपके बेटे उसी का नाम है ये हंस, हंस उसी का नाम। अच्छा ठीक है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इन बहन के लिए जो अपने बेटे के लिए प्रार्थना कराना चाहती है, हंस के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने उसको जॉब दे के आशीषित किया, और हम चाहते हैं प्रभु अब उसके आने जाने में, उसकी जॉब के लिए तेरी अगुवाई साथ साथ रहे। प्रभु अपने प्रोटेक्शन में रखिए, मसीह यीशु अपनी अगुवाई में रखिए, और आने वाले दिनों में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उसके लिए बहुत ही ऊंची ऊंची अच्छी योजनाएं रखी हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू उसके आगे आगे चलेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरी और आस लगाई है, क्योंकि तुझसे मांग लिया है परमेश्वर यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू चख के देख, परख के देख मैं भला परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु वो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाए इस वायरस के टाइम पे, इस महामारी के टाइम पे, इस परेशानी के टाइम पे, जो भी टेंशन क्यों ना हो किसी भी प्रकार की, प्रभु तेरी शांति, तेरी सामर्थ, तेरी साहस को भर दीजिए प्रभु, और तेरी उपस्थिति साथ साथ जाए उसके आने जाने में, उसकी रक्षा कर, क्योंकि तू हमारा ऐसा रक्षक है जो ना ऊँगता है ना जो ना सोता है, और ना रात को हमें चांदनी से कुछ, ना दिन में हमें किसी बीमारी से महामारी से घटी होती है, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है प्रभु। वैसे ही आपका प्रोटेक्शन उसके साथ साथ रहे प्रभु जी, उसके हर एक काम में आप उसकी अगुवाई करना, तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि, तेरी सामर्थ देना प्रभु, जो करे अपनी बुद्धि अगुवाई से नहीं पर आपकी अगुवाई से करे, और उसके करियर में, उसके ऑफिस में, उसके बिजनेस में, उसके हर एक काम में, चाहे घर का हो चाहे कहीं का भी हो, मसीह आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई रहे, तेरी स्वर्गीय बुद्धि रहे, ताकि वो 100 गुना उसमें आगे बढ़ता चला जाए, सक्सेस पाए, यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सो सिस्टर थैंक यू सो मच, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी फैमिली को बहुत आशीष दे परमेश्वर, आपको यूज करे और अपने राज के लिए परमेश्वर, ऐसे ही आप लोगों को आशीष दे और हीलिंग प्रेयर करें परमेश्वर, आप खूब यूज करें। सो सिस्टर मैं चाहता हूँ कि आप एंडिंग प्रेयर कर दें, और हमारी मिनिस्ट्री के लिए, हमारे चर्च के लिए, और इस कन्वेंशन के लिए आप एंडिंग प्रेयर करें, उसके बाद आप बेनेडिक्शन प्रेयर देखें, फिर हम इसको समाप्त करेंगे। यस माय प्लेजर, आप मुझे थैंक यू ना बोले, थैंक यू मैं बोलूंगी आपको कि आपने मुझे मौका दिया परमेश्वर की संगति में आप लोगों के साथ हम वचन को बांट सके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रभु, आपके चर्च को, आपकी सेवकाई को, इस कन्वेंशन को बड़ी आशीष दे, आने वाले दिनों में प्रबलता से इस्तेमाल करें। प्रार्थना। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उपस्थिति से हमें भरा है, हर एक को छुआ है, अपनी आशीषों से भरा है। धन्यवाद करते हैं आप कितने नजदीक के परमेश्वर हैं, दूर के नहीं, और हमें दास और दासी नहीं, पुत्र और पुत्री बना लेते हैं प्रभु। जितने लोग इस कन्वेंशन से जुड़े हैं, खासतौर से जो ये अरेंज करा रहे हैं, इनकी सेवकाई पर, इनके चर्च पर, इनके परिवार पर, एक एक जन पर, चाहे वो सेवकाई में किसी भी प्रकार जुड़ा, चाहे गाने से, चाहे बजाने से, चाहे प्रार्थना से, चाहे अरेंजमेंट कराने से, चाहे धन की योजना से, चाहे किसी भी प्रकार जुड़ा हो, चाहे सफाई से, चाहे दूर बैठ के ही प्रार्थना से, एक एक जन प्रबल रीति से आशीष पाए। मसीह यीशु तेरे स्वर्गीय भंडारों से आशीष दीजिए, स्वर्गीय आशीष भी और दुनिया की भी आशीष, क्योंकि तू हर भली वस्तु देना चाहता है अपने प्रिय जनों, किसी भली वस्तु की कमी आप होने नहीं देते। सबसे पहले जो तेरे राज्य और धर्म की खोज में रहते हैं, सब वस्तुएं तो देता है पिता, और दुआ करते खास तौर से आत्मिक रीति से आने वाले दिनों में सेवकाई को, इसे जुड़े हुए एक एक जन को दोहरा अभिषेक दीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से भर दीजिए, बड़े बड़े साइंस वंडर्स और मिरेकल्स आने वाले दिनों में और प्रबल रीति से हो प्रभु जी। जितने लोग जुड़े हैं हम में से हर एक को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपकी सहभागिता हम में से हर एक पर बनी रहे, आमीन, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सो अगेन सिस्टर थैंक यू सो मच,
फॉर दिस वंडरफुल वर्ड एंड हीलिंग प्रेयर. सो परमेश्वर आपको आशीष दे. सो जितने लोग हमें देख रहे हैं और हम सब ताली बजा के सिस्टर का थैंक यू करते हैं कि उन्होंने एक वंडरफुल वर्ड दिया हमारे बीच में. सो सिस्टर अगेन थैंक यू सो मच आप हमारे बीच में आए. सो आप जितने लोग हमें फेसबुक में देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद कि आप हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं. आपने सिस्टर को सुना एक अच्छे वचन को, हीलिंग वचन को जो डिलीवरेंस दिलवाता है ना. परमेश्वर का वचन आता है छुटकारा दिलाने के लिए, हीलिंग दिलवाने के लिए. सो परमेश्वर का भी धन्यवाद इस अच्छे दिन के लिए. जितने लोग देख रहे हैं आप शेयर करें आगे ताकि और लोग चंगाई पाए इस वचन से, क्योंकि ये इस वचन का ही जो टॉपिक था वो था हीलिंग. जितने लोगों के कान में ये वचन जाएगा वो हीलिंग प्राप्त करेंगे, वो चंगाई प्राप्त करेंगे, वो डिलीवरेंस प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये हमारा विश्वास है. जैसे सिस्टर ने अपने विश्वास से अपने परमेश्वर की सामर्थ्य से ये वचन फैलाया है, वैसे ही परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से लोगों के कान तक ये वचन जाएगा और लोग हीलिंग और चंगाई पाएंगे. सो आप हम देख सकते हैं YouTube पे भी देख सकते हैं, सिस्टर की वीडियो आ जाएगी आज ही की डेट में. और जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे. और कल हमारे साथ बैंगलोर से पास्टर होंगे रेवरेंड डॉक्टर रोगी थॉमस जॉर्ज, जो कल बैंगलोर से आने वाले हैं. उनके उनके साथ हम कल सहभागिता करेंगे. सो परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक चीज के लिए, हर एक वर्ल्ड के लिए, हर एक वर्शिप के लिए जो परमेश्वर हमें प्रोवाइड करवाता है ना. सो ये वचन लोगों तक पहुंचे और लोग चंगाई पाए. सो आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, गीत गाएंगे और आज के दिन हम समाप्त करेंगे इस कन्वेंशन को, इस फोर्थ डे को, और परमेश्वर को परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. वे प्रभु यीशु की कितना महान, कितना प्रशंसा. अच्छे दिन के लिए और परमेश्वर आप सबको आशीष दे. जितने लोग हमें YouTube पे देख रहे हैं और Facebook पे देख रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ Zoom पे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको एक हीलिंग प्रोवाइड करवाए, एक डिलीवरेंस प्रोवाइड करवाए इस वचन से जो सिस्टर के द्वारा हुआ. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे जितने लोग देख रहे हैं. इस वीडियो को जितना हो सके फैलाएं ताकि लोगों के कान तक इस वचन को, इस वर्शिप को, इस हीलिंग प्रेयर तक ये कानों तक पहुंचे ताकि लोग हीलिंग प्राप्त करें, ताकि लोग चंगाई प्राप्त करें और वो मसीह यीशु को धन्यवाद देने वाले हो सके. हमारा यही उद्देश्य है इस किंगडम ऑफ गॉड कन्वेंशन से कि मसीह का राज लोगों तक फैले, ताकि जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने आए
तो यहाँ पर मसीह यीशु का राज होने वाला हो सके। सबको फिर से थैंक यू, और फिर से सिस्टर का थैंक यू। सिस्टर हमारे बीच में आई, अपना कीमती समय निकाल के उन्होंने बीच में वर्ड रखा, सबके लिए प्रार्थना करी। सिस्टर वेरी थैंक यू फिर से आपका। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप कल फिर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कल बैंगलोर से पास्टर होंगे हमारे साथ, पास्टर जॉर्ज होंगे, आप जुड़ सकते हैं। हमारी 6 बजे कन्वेंशन स्टार्ट हो जाती है, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारी वीडियो अभी यूट्यूब पे भी आ जाएगी, आप जरूर देख सकते हैं, लोगों तक फैलाएं ताकि परमेश्वर का राज फैलने वाला हो सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे दिन के लिए। प्रेज द लॉर्ड सभी को। जूम में नहीं हो ऐसा मैंने सोचा, मैं सोचा ऐसा मतलब जैसे फेसबुक में होता है ना रिकॉर्डिंग करके, मैं आपको सुंदर संदेश में सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मुझे आज भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। सिस्टर आप कहाँ से हैं? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। आप सिस्टर सुनते हो, और प्रभु आपको आशीष दे, प्रबल रीति से इस्तेमाल करे आने वाले दिनों में। और प्रभु का धन्यवाद है कि उसने ये मौका दिया, कि आप सबका धन्यवाद है, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आई। और आप बहुत अच्छा लगा मुझे, वर्शिप बहुत अच्छी लगी, आप सबके साथ संगति बहुत अच्छी लगी। एक एक जन को प्रभु आशीष दे, थैंक यू सो मच, माई प्लेजर। सो थैंक यू। सो फिर से कल हम मिलेंगे इसी टाइम पे, कल हम ऐसे पास होंगे। सो सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको गुड नाइट, टेक केयर।